दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी दे रही हूँ और मैं वीडियो में सुनवाऊंगी भी आपको कि अचार खाने के कितने फायदे होते हैं, अचार कितने फायदेमंद होता है। और मैं कोई ये बड़े मियाँ हैं, मुल्ला जी हैं, जो भी हैं, इनसे मैं आपको सुनवाऊंगी, दिखाऊंगी आपको कि ये अचार के बारे में क्या बता रहे हैं और आपको अचार क्यों खाना चाहिए और क्यों डालना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए, समझ गए। और अचार की और सिरके की में दो वीडियो हैं, जो भी वीडियो है वो वीडियो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगी, जो आपके सच में कह रही है, आपने अगर अपनी सेहत को, पेट को, पेट के लिए अमृत जो है वो मैंने बनाया है, कैसे क्या बनाया है वो वीडियो को आप जाकर देख लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और अचार के बारे में मेरा अपना एक्सपीरियंस तो है ही बढ़िया, ठीक है, आप इनसे भी सुन लो। ये कितने देख लो, यानी के पुराने बंदे हैं तो पुराने बंदों को ज्यादा पता होता है, इनसे आप, इनके मुंह से आप सुनो ये वीडियो, मैंने सोचा कि आपके साथ। आपको पता है ये जो अचार है, अचार ये दवाई है, अचार दवाई है। जो बंदा सारी जिंदगी अचार खाता रहे उसका ब्लड प्रेशर कभी बढ़ नहीं सकता, जो बंदा अचार खाता रहे उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ नहीं सकता, जो बंदा अचार खाता रहे उसके जोड़ों में दर्द नहीं हो सकता, जो अचार खाता रहे उसको कभी कब्ज नहीं हो सकती, जो अचार खाता रहे उसको कभी बवासीर नहीं हो सकती। और सच बताओ, हमने खाना छोड़ दिया, सारियां बीमारियां आ गई। तो करना क्या है मेरे भाइयों, अचार में कलवंजी भी है और मेथी दाना भी है, उसमें जीरा भी है, उसमें सौंफ भी है, उसमें सरसों का तेल भी है। ये सारी चीजें आपके जिस्म को एनर्जी देंगी कि नहीं देंगी। और पहले लोग अपने हर खाने के साथ इसको फखरन खाते थे और आज और समझते गरीब लोग चार खाते हैं, असी तो रोस्ट खाने हैं, असी तो बर्गर खाने हैं, अज तो शवारमे खाने हैं, तो चार कौन खाता है, पेंडू लोग खाते हैं। मेरे भाइयों, ये अचार और चटनी इसकी आदत बना लो, इंशाल्लाह जितने लोगों को ये गैस की वजह से हाथ पांव सूते हैं ये ठीक हो जाएगा। सुना, समझ गए। और आप खुद अपने दिमाग से लगा सकते हो कि बिल्कुल लॉजिक भी लगा सकते हो, लॉजिक मतलब के सही बात है कि कलौंजी हम वैसे नहीं खाते किसी चीज में, अचार में थोड़ा सा कलौंजी ज्यादा डाल ले, अचार में अगर अचार खाते हो तो कलौंजी हमारे पेट में जाएगी। सरसों का तेल हर तेल से बढ़िया होता है ना, हमारे देश के लिए। वैसे तो जहाँ जहाँ जो बंदे जैसे जहाँ रहते हैं मौसम के हिसाब से, जैसे कि केरला वगैरह में नारियल का तेल खाते हैं, वहाँ के लिए उनका वो तेल बढ़िया रहता है। मौसम ऊपर वाले ने हर जगह वो बनाया ना, जहाँ इंसान बनाया वहीं उसका वो बनाया, उसी हिसाब से वो खाना बनाया उसका, समझ गए। और मेथी भी आप समझ सकते हो कि मेथी हमारी सेहत के लिए कितनी जरूरी है। मेथी के बारे में भी दोस्तों आप सभी जानते हो कि मेथी के बारे में मैंने वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उसको जाकर जरूर देख लेना, फायदा उठाना। तो आप समझ गए होंगे ना अचार के बारे में। अब से अचार आप थोड़ा सा किसी भी चीज के साथ खाया करो, या सुबह को मैं तो पता क्या करती हूँ, जिस दिन कभी कुछ नहीं होता ना सब्जी या कुछ ऐसे, मैं उस दिन अचार लेती हूँ और बहुत कम देसी घी का, अपने हिसाब से लगा लो यार, देसी घी का पराठा बनाती हूँ और चाय बनाती हूँ और इतना मजे का लगता है, सच में कह रही के मजा ही या लुत्फ आ जाता है खाने में, इतना बढ़िया लगता है अचार के साथ पराठा और चाय, चाय हो बढ़िया वाली, समझ गए। तो ऐसे बनाकर खाया करो कभी कभी, और जब कभी नमक मिर्च के चावल होते हैं या खिचड़ी होती है उसके साथ अचार खाया करो। अचार में सारी चीजें इन्होंने बता दी कि कितनी बढ़िया हेल्थ के लिए कितनी बढ़िया होती है, और हाजमे के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए कितनी बढ़िया होती है, जी नहीं मचलाता आपका, उसमें सारी की सारी चीजें हमारी सेहत के लिए बनाई गई हैं जो चीजें अचार में पड़ती हैं। तो इसलिए अचार खाना चाहिए, जब कभी गला खराब हो, खांसी हो तो मत खाओ, वरना खाना चाहिए, समझ गए दोस्तों। मैं सोचा कि कई बार ऐसा होता है ना कि भाई किसी से सुनवा दो, ये पीछे पहले जमाने के लोग जो बता रहे हैं दोस्तों, उनका अपना जब भी उनकी हड्डियां मजबूत हैं बताते हैं वो सही सब कुछ, थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा उनकी अच्छी लाइफ और सेहत अच्छी है हमसे, समझ गए।
तो दोस्तों ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करें भी बिना मत जाना, और बेल आइकन का बटन है आपके सामने इसको भी जरा दबा दो अभी मेरे सामने, और यहाँ पर ये लाइक का बटन है इसे भी दबा दो मेरे सामने, ठीक है। और जिन भी जिन लोगों को जो नेगेटिव लोग होते हैं दोस्तों, नेगेटिव लोगों को वैसे सब बंदे नेगेटिव लोगों को अच्छा नहीं मानते, ठीक है ठीक है, यानी कि नेगेटिव चीज समझ सकते हो ना कि नेगेटिव चीज कितनी बुरी होती है, जो नेगेटिव लोग हैं वो डिसलाइक करते हैं, वो डिसलाइक ही करेंगे और बेकार बेकार से कमेंट करेंगे बकवास से, ठीक है। तो बहुत कम होते हैं दोस्तों नेगेटिव, तो दो चार एक दो, ठीक है, ज्यादातर पॉजिटिव लोग होते हैं, पॉजिटिव लोग का मतलब होता है बहुत अच्छे लोग, ठीक है, जो इंसानियत होती है अंदर सबके। तो दोस्तों अपना तो वह है दोस्तों, ना किसी से बैर तो है नहीं, दोस्ती है सबसे, समझ गए आप सब मेरे बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल मेरे यूट्यूब फैमिली हो, मेरे बहुत ही खूबसूरत फ्रेंड दोस्ती और दोस्त और सहेली हो, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो जरूर बताना इसमें, और मुझसे जुड़ने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, जिसने ये सब कुछ करा उन सभी के लिए बहुत ज्यादा दिल से थैंक यू सो मच है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी अपना मेरे लिए एक दूसरे के लिए हम सभी अच्छा सोचें, ठीक है।